यूथ कलेक्शन नए स्टॉक के साथ अस्पताल रोड रुद्राक्ष ज्वेलर्स के सामने घंटाघर दमोई। प्रोपराइटर जेपी मिश्रा 99-93-53-40-99। हवेली फैमिली रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर दवा क्लिनिक बस स्टैंड रोड कचौड़ा दमोह मध्य प्रदेश। एक बार अवश्य पधारे। मोदी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ उपलब्ध वैरायटी स्पोर्ट लोवर टी शर्ट ट्रैक सूट योगा मैट वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन। हमारा पता शक्ति भंडार के सामने घंटाघर मेन रोड दमोह। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ चौकी के अंतर्गत आने वाले सीता नगर में परियोजना बांध का कार्य चल रहा था, जिसके चलते किसानों को राहत राशि देने की बात की गई थी। वहीं किसानों ने कहा कि जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्टर परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा व प्रदर्शन किया। वहीं एक किसान ने गले में रस्सी बांध कर प्रदर्शन किया और कहा, अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो यहीं फांसी का फंदा लगाकर लटक जाऊंगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है किसान का। कहाँ से आए? हम मेनवार से आए हैं। क्या हो गया आपको? वो सिंचाई सीतानगर सिंचाई परियोजना बांध में जो जमीन शासन अग्रहित कर रही है उसको सिंचित जमीन का असिंचित पैसा दे रही है, वो भी सारे किसानों को असिंचित 2 लाख की एकड़ का दे रही है। ज्ञापन दे देकर हम लोग परेशान हो गए। वहाँ पुलिस जा रही, वहाँ अधिकारी जा रहे, वो कह रहे जिला अधिकारी के पास जाओ नहीं तो यहाँ आप सबको बंद करेंगे। क्योंकि कम पैसा देंगे तो सिर्फ आप आत्महत्या के सिवाय कुछ हीरो ही नहीं बच रही। वहाँ कितने हजार रुपए एकड़ जमीन थी और आज कितने में ली जा रही है? 10 लाख की एकड़। वहाँ जब वहाँ जमीन शासन का रेट है जो है कि 570 है सिंचित का और 330 है असिंचित का, उसका दुगना हेक्टेयर उसका दुगना कर रही है और असिंचित का मुआवजा बना रही है। और जैसे आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। कंचन जल शुद्धता की गारंटी आरओ एंड यूवी ट्रीटेड वाटर सभी अवसरों पर उपलब्ध। हमारा पता डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के पीछे 3 गुल्ली दमोई। हर्ष अग्रवाल, संपर्क करें 9022976519। रूपा कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस सभी कंपनियों के लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंटर के विक्रेता एवं सुधारक। पता न्यू मानस भवन जिला अस्पताल के सामने।